नीमच के दशहरा मैदान स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में आज रोजगार मेले का आयोजन का दिन था। रोजगार मेले का आयोजन जिला प्रशासन के तत्वाधान में किया गया। केंद्र की सरकार जहां एक ओर स्वरोजगार पर बल दे रही है और देश के प्रधानमंत्री भी स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन नीमच में जिस तरह से युवाओं की भीड़ आज इस रोजगार मेले में दिखाई दी, उससे तो यह साफ जाहिर होता है कि किस तरह से यहाँ पर बेरोजगारी प्रदेश में है और किस तरह से युवा रोजगार के लिए यहाँ पर दिखाई दिए। काफ़ी संख्या में यहाँ पर आज सुबह से ही लोग युवा आने लग गए थे और यहाँ पर जो जिन्होंने आवेदन किए थे अपने पंजीयन के अनुसार यहाँ पर अपने स्टॉलों पर जाकर उन्होंने संपर्क किया। प्रशासन की तरफ से बेहतर व्यवस्था तो यहाँ पर रही। यहाँ पर कई कंपनियों तथा संस्थाओं के स्टॉल भी लगे, इसमें सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि के स्टॉल भी यहाँ पर लगे थे और यहाँ पर उनको अवगत भी कराया जा रहा था कि किस तरह से चयन किया जा सकता है। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद युवाओं ने आकर अपने रोजगार की तलाश की। जिस तरह से आज युवा भटक रहा है और रोजगार के अवसर तलाश रहा है, वो एक काफ़ी चिंतनीय विषय भी नज़र आता है। यहाँ पर कुछ सालों पहले जिले में भी प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी संख्या में यहाँ पर जिले से शिक्षकों का चयन हुआ था, लेकिन वो आज भी अपनी नियुक्ति को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि समस्या ही कुछ ऐसी रही कि कोरोना काल था और कोरोना काल के अलावा अन्य समय भी बीत जाने के बाद भी इन युवाओं को अभी तक अपने चयनित शिक्षकों का दर्जा और उनको नौकरी प्राप्त नहीं हुई, जिससे लेकर ये काफ़ी चिंतित है। हमने मनोज अहिर जो कि वर्ग ए के चयनित शिक्षक के उनसे चर्चा की, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था। नीमच जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, रोजगार के प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा भी, लेकिन ये भी चीज़ दूसरी देखने में आ रही है कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में जिसके फॉर्म निकले थे आयोजित की गई थी, इसमें काफ़ी संख्या में क्वालिफाई लोग हैं और अभी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ कुछ देरी हो रही है और कहाँ रोजगार को लेकर समस्याएँ आ रही हैं? सर, शिवराज सरकार एक तरफ तो रोजगार मेला आयोजित कर रही है और दूसरी तरफ हम 2018 की जो परीक्षा थी वो पास करके चयनित शिक्षक बैठे हुए हैं अपनी नियुक्ति के इंतज़ार में, उनको रोज़गार नहीं दे रही है। तो सरकार का ये दोहरा चरित्र समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जो चयनित हैं उनको आप नियुक्ति नहीं दे रहे हो और जगह जगह रोज़गार मेले लगा रहे हो, तो क्या सरकार सिर्फ दिखावा करना चाह रही है कि भाई हम रोज़गार दे रहे हैं? अगर वाकई रोज़गार देना चाह रही है तो 2018 में जो भर्ती निकाली थी 2019 में उसकी परीक्षा हो चुकी है, 2019 अगस्त अक्टूबर में उसके रिज़ल्ट आ गए थे, 2020 में फरवरी में उन्होंने चयनित शिक्षकों की सूची डाल दी, मार्च में हमसे उसके स्कूल चयन करवा लिए और उसके बाद जुलाई में चयनित शिक्षकों के दस्तावेज वेरिफिकेशन का काम जुलाई 2020 में होना था, जो 3 दिन चलने के पश्चात कोरोना के कारण आवागमन की सुविधा का बहाना देकर रोक दिया गया। उसके बाद उपचुनाव भी हो गए हैं, कोरोना भी लगभग अब समाप्ति की ओर है, उसकी दवाई भी आ गई है और आवागमन भी सुचारू रूप से हो गया है, किंतु हमारे दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया का कोई शेड्यूल लोक शिक्षण संचालनालय की वेबसाइट पर नहीं डाला गया है। मंत्री हैं सगलेजा जी, उनको हमने ज्ञापन दिया था, उन्होंने आश्वस्त किया है कि नए सत्र से हम आपकी नियुक्ति कर देंगे। हमारा ये कहना है कि नए सत्र से आप नियुक्ति करेंगे, लेकिन जो हमारे दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया रुकी हुई है और उसके पहले की जितनी भी कार्रवाई है वो तो आप यथाशीघ्र शेड्यूल डालकर और पूरी करवा लें। अप्रैल से नया सत्र शुरू हो रहा है, फरवरी शुरू होने वाला है, तो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया और बाकी प्रक्रिया में समय लगेगा, तो एक विस्तृत शेड्यूल अगर वो डाल दें तो जितने भी चयनित शिक्षक हैं उनको एक सूचना मिल जाएगी कि हाँ हमारी प्रक्रिया शुरू हो रही है और पूरी हो जाएगी। अभी जिले से आप लोग ऐसे कितने हैं जो चयनित हैं? हम लगभग जिले से 300 वर्ग एक और वर्ग दो के 300 कैंडिडेट हैं जो चयनित हैं और सभी इस दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया का और नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन हमको नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री रोज़ बधाइयां दे रहे हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, रोज़ उनके प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन कहीं भी एक शब्द उन्होंने शिक्षक भर्ती के बारे में नहीं बोला है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमारी जो चयनित शिक्षक हैं इसकी समस्या के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये जो आप लोगों ने फिर इसके आगे प्रधानमंत्री को भी इस विषय में पत्राचार किया है? हाँ, प्रधानमंत्री जी को भी हमने पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया है
क्योंकि प्रधानमंत्री के ध्यान में हमने सुना है और देखा है कि प्रधानमंत्री के अगर ध्यान में कोई चीज़ आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करवाई जाती है। तो हमने प्रधानमंत्री जी को भी, हमारे मध्य प्रदेश से कई लोगों ने पत्र लिखा है और अभी हम उनके वहाँ से उत्तर का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या रेस्पॉन्स आता है। सर, आपके माध्यम से हम प्रदेश सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू किया जाए और जो 30,000 चयनित शिक्षक घर बैठे हुए, जिनके रोजगार की समस्या हो रही है, जिनको खाने की समस्या हो रही है, आज कई प्राइवेट स्कूल खुले हुए नहीं हैं, जो पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे तो उनको निकाल दिया कि भाई अब आप तो चयनित हो गए हैं और आपको जाना है तो आप बीच में सत्र छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसे सभी जितने भी हमारे साथी हैं वो सब अभी मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, समाज में उनकी किरकिरी हो रही है कि भाई 3-3 साल से चयन हो गया है, पागल बना रहे हैं, इनका तो कोई चयन नहीं हुआ है। तो सोचिए हम कितने मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, मार्च से पहले पहले हमको नियुक्ति दे दी जाए। और तो सुना आपने, चयनित शिक्षक मनोज अहिर हमें बता रहे हैं कि किस तरह ये 2 सालों से परेशान हो रहे हैं और किस तरह से इन पर सब पर रोजी रोटी का संकट है। इन्होंने मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक गुहार लगाई है, पर देखना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कितनी जल्दी इन्हें नियुक्ति प्रदान करते हैं। नीमच से संजय।